गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। भारत के आखिरी गांव पहुंचे सीएम योगी, जवानों का बढ़ाया हौसला, भारत माता की जय के नारे से गूंजी देवभूमि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे जवानों का राष्ट्र सेवा भाव प्रेरणास्पद। भगवान बद्री विशाल की पूजा कर योगी ने की लोक मंगल की कामना। सीएम योगी ने रखा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटक आवास गृह की आधारशिला। 40 कमरों की क्षमता वाले आवास गृह से प्रदेश के श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। कुंभ से पहले हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होगा भागीरथी अतिथि गृह। जेमिनी पैराडाइज में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रॉपर्टी डीलर व कैलाश होटल के प्रबंधक की पंखे से लटकती हुई मिली लाश, आत्महत्या की आशंका। मामला गुलहरिया थाना क्षेत्र का, जांच में जुटी पुलिस। पूरे विश्व में कोहराम मचा चुके कोरोना संक्रमण से गोरखपुर जनपद भी नहीं रहा है अछूता। कोरोना संक्रमण की जद में आए डीएम के विजेंद्र पांडेन, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल जीत चुके हैं कोरोना का जंग, दे रहे हैं लोगों को कोरोना से बचने की सलाह। ई डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में डिजिटल हॉस्पिटल का जिलाधिकारी द्वारा फीता काटकर किया गया शुभारंभ, कहा कोविड 19 मरीजों की होगी निःशुल्क जाँच। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी ने किसानों से की अपील, कहा खेतों में ना जलाएं पराली, बढ़ते प्रदूषण के रोकथाम में दें अपना सहयोग, नहीं तो होगी कार्रवाई। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को वितरित होने वाले स्वेटर वितरण की समीक्षा, कहा जल्द से जल्द छात्रों को दिया जाएगा स्वेटर जिससे उन्हें मिल सके ठंड से राहत। सूर्य आराधना के महापर्व छठ पर जिलाधिकारी के वीएन पांडे ने जनपद वासियों को दी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, कहा भीड़ भाड़ से बचें, सतर्कता के साथ मनाएं छठ का पर्व, अभी थमा नहीं है कोरोना का कहर। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नहीं लिया पर्चा वापस, अपर आयुक्त प्रशासन ने कहा 16 प्रत्याशी हैं मैदान में, एक को मतदान और 3 दिसंबर को होगी मतगणना। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हाल में संपन्न हुआ तहसील संपूर्ण समाधान दिवस, आए कुल 42 मामलों में से 8 का हुआ निस्तारण। एसडीएम सदर ने कहा अधिक आए भूमि और राजस्व विवाद के मामले। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,591। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 350 एक्टिव हुए मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। राजस्व निरीक्षक संवर्ग के 9 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ जिला इकाई ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, पदोन्नति सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग। यातायात माह के तहत सुरक्षित यातायात व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एसपी ट्रैफिक द्वारा चलाया जा रहा है अभियान, लोगों को यातायात नियमों के बारे में किया जा रहा है जागरूक। और छठ पर्व पर नवीन महवा मंडी में होने वाली भीड़ को देखते हुए मंडी समिति ने लगाया कोरोना जांच शिविर, मंडी सचिव ने कहा कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंडी में आने वाले सभी लोगों की होगी कोरोना जाँच।